Hello student, this is Alam. Welcome in Science Era. Today we discuss a very important topic and a very confusing topic is that what exchange of gases in animals or respiration in animals. Okay, because we discuss definition of respiration, we discuss types of respiration, we discuss difference between the types of respiration, and lastly we discuss previous video respiration in plants. In this video we discuss about the respiration in animals. Now don't waste the time, now let's start the topic. Means to say that in animals mein bahut sare categories hai, my dear, just like a single cellular organism. Uske baad fir aa jayenge hum log multicellular mein, jisme fishes lunga main, uske baad lunga main amphibians, fir aa jaunga reptilians and finally us. Okay, now slowly we discuss. First time we discuss about the unicellular organism. In unicellular organism, they directly contact the environment, means it has no special respiratory organ. Means जैसे हम लोग plants की बात किए थे, plants में भी कोई respiratory organ नहीं है. They take oxygen directly from stomata, sometime from root hairs and sometime from the lenticels, means special organ that present on the bark of the plant. माई डियर स्टूडेंट, बट इन एनिमल्स की बात कर लेते हैं हम लोग. इन एनिमल्स स्पेशली यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, देयर बॉडी सर्फेस मीन्स बॉडी सर्फेस से डायरेक्टली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली वो डिफ्यूज कर लेते हैं, मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड नंबर पॉइंट, इज द नोन एज द एम्फीबियंस. मीन्स एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं, जस्ट लाइक अ टोड और फ्रॉग की बात कर लेते हैं. दे take oxygen through nose or lungs, because lungs is the respiratory organ, but sometimes they breathe through the skin. That's name is the means a cutaneous respiration or skin respiration. Point number two, feces. फिशेस की बात कर लेते हैं, ये करते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन और गिल रेस्पिरेशन की से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा करते हैं. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इंसेक्ट का, तो इंसेक्ट करते हैं जस्ट लाइक ट्रैकियल रेस्पिरेशन. जस्ट लाइक कॉकरोच की बात कर लेते हैं, तो वो ट्रैकिया के थ्रू, मींस अभी ट्रैकिया क्या है सर, ट्रैकिया एक ऐसा ऑर्गन है जो उसके बॉडी सरफेस से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है. जैसे बात कर सकते हैं, अगर हम लोगों का नाक को चॉक कर दिया, मीन नोज से या माउथ को चॉक कर दिया जाए, तो हम लोग मर जाएंगे बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वी हैव मिलियंस ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स नीड ऑक्सीजन टू मेक देयर एटीपी. लेकिन इंसेक्ट में क्या होता है कि उसके नोज मींस नेसल पैसेज के थ्रू ऑक्सीजन नहीं जाते, बल्कि डायरेक्टली वो बॉडी से ऑक्सीजन को ले लेते हैं. तो बात समझ में आ गई बात आप लोगों को. तो अगर किसी कॉकरोच के गर्दन को मींस कट कर दिया जाए, उसके माउथ को कट कर दिया जाए, तब भी वो बहुत दिन तक जिंदा रह पाएंगे, बिकॉज इट टेक ऑक्सीजन थ्रू द ट्रैकिया प्रेजेंट ऑन द आउटर बॉडी सर्फेस ऑन द स्टमक ऑफ द रीजन. एंड नेक्स्ट पॉइंट बात कर सकते हैं, मैमल्स की बात कर सकते हैं, रेप्टाइल्स की बात कर सकते हैं, बबल मीन्स बर्ड्स की बात कर सकते हैं, ये जितने भी एनिमल्स ये डायरेक्टली जो है लंग्स रेस्पिरेशन या बोल सकते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन से ही ये लोग अपने जिंदगी को पूरा करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, अगेन आई रिपीट, फर्स्ट बात कर लिए मैंने अमीबा का, जो वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस से डायरेक्टली डिफ्यूजन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डायरेक्टली वो डिफ्यूज कर लेते हैं. पॉइंट नंबर टू की बात कर लेते हैं हम लोग एम्फीबियंस का, तो एम्फीबियंस स्किन रेस्पिरेशन करते हैं स्पेशली फॉर द विंटर सीजन, बिकॉज क्योंकि वो हाइबरनेट कर लेते हैं, उसकी ठंड बहुत, बिकॉज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होने के कारण वो डायरेक्टली वो ले लेते हैं आपके स्किन से. पॉइंट नंबर थर्ड की बात कर ले, जिसमें मैंने आपको फिशेस के बारे में बताया, तो वो गिल से सांस ले लेते हैं. पॉइंट नंबर फोर की बात करते हैं, फिर से मैं एम्फीबियंस की बात करूंगा, क्योंकि बेसिकली वो बाकी जो ईयर्स बाकी जो मंथ में है वो लंग से मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं. इसमें है आपका बर्ड्स भी आ जाते हैं, जिसमें रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, जिसमें हम लोग भी आ जाते हैं मींस मैमल्स भी आ जाते हैं. ठीक है ना, यहाँ तक सारी बातें मैंने आपको बता दिया है. ट्रैकियल और इंसेक्ट की बात छोड़ दिया मैंने, ट्रैकियल रेस्पिरेशन से सारे इंसेक्ट जो है वो सांस लेते हैं. तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात मीन्स रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात कर लूँ मैं, कि रेस्पिरेशन होने के लिए क्या क्या जरूरी है. पॉइंट नंबर वन,
कि जिस मेम्ब्रेन से लिया जाए वो मेम्ब्रेन परमिएबल हो, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता हो। दूसरा पॉइंट कि लार्ज सरफेस एरिया उसमें होना चाहिए जिसमें वो इजिली जो है बहुत सारे ऑक्सीजन को, मीन्स डायरेक्टली ऑक्सीजन को ले सके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मस्ट बी वैस्कुलर, मीन्स टू से दैट उसके अंदर ब्लड वेसल्स, मीन्स ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट एंड फोर्थ नंबर पॉइंट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट का होना जरूरी है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब ये कि वो ऐसा मीन्स एलिमेंट या सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करे। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को प्रोटेक्शन, मीन्स उसके ट्रैक या उसके एरियाज कैसे होते हैं, उसको प्रोटेक्शन कैसे कौन देता हो, ये सारी चीज़ें उसमें होनी जरूरी। नाउ डिस्कस अबाउट द गिल्स रेस्पिरेशन। माय डियर स्टूडेंट, मैं गिल्स रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले, मीन्स फिश के रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले, क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, इसके पहले मैं बात कर लूँ कि व्हाई एक्वाटिक एनिमल्स, मीन्स एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स में ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मीन्स लैंड एनिमल्स का ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है जबकि एक्वाटिक एनिमल्स का ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर दैन द एयर, मीन्स वाटर में बहुत कम मीन्स ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व हो पाते हैं वाटर में, तो इसलिए ऑक्सीजन मीन्स जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उसे ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसके कारण उसे बार बार या बहुत जल्दी सांस लेने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग फिश की, बात कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्स रेस्पिरेशन बोल सकते हैं या ब्रांचियल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कि फिश की बात करते हैं तो फिश में क्या होते हैं, उसमें गिल स्लिट्स होते हैं, गिल्स के अंदर गिल स्लिट्स होते हैं, और ये गिल स्लिट्स जो होते हैं उसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज की वजह से आप मछली में अगर फिश में देखें तो उसमें गिल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रेड होते हैं। तो जब वो फिश जो है ऑक्सीजन को, मीन्स वाटर को जब अपनी बॉडी के अंदर खींचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से खींचते हैं, इसलिए कि अगर प्रेशर से नहीं खींचा जाएगा तो उसके गिल्स में जाके फोर्स नहीं होगा, और फोर्स नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो वाटर प्रेजेंट है वो उसके गिल्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज में इंटर नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर बाहर से प्रेशर नहीं होगा, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, मींस जब बाहर से ऑक्सीजन इंटर बहुत फोर्सफुली होगा तो उधर से मींस इनसाइड द बॉडी जो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंस हो रहे हैं तो वो वापस उसके एक्शन में जो है, उसके रिएक्शंस में जो है बॉडी से बाहर आ पाएंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ हमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन का। यहाँ पे कुछ बेसिक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप इंसेक्ट वर्ल्ड की बात करें, तो इंसेक्ट को मारने के बाद उसमें से ब्लड जो है वो दिखता नहीं, मीन्स ब्लड उसके कलरलेस होते हैं। यहाँ पे दो फायदा, पहला बात कर लूं मैं आपको ट्रैकियल रेस्पिरेशन का, तो मैंने अभी जस्ट बोला आपको ट्रैकियल रेस्पिरेशन, मीन्स टू से दैट अगर कॉकरोच की बात कर ले, अगर हम लोग मीन्स हाउस फ्लाई की बात कर ले, अगर हम लोग मॉस्किटो की बात कर ले, अगर हम लोग किसी भी इंसेक्ट की बात कर ले, वो सारे इंसेक्ट के नोज नेसल पैसेज या लंग्स की बात करें तो ये सब नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन ले लेते हैं। अगर किसी कॉकरोच को कट कर दिया जाए, मॉस्किटो का गर्दन को कट कर दिया जाए, या फिर अगर हॉर्स फ्लाई के उसके हेड को कट कर दिया जाए, तब भी ये 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक ये जिंदा बिना खाए पिए रह सकते हैं, और उसके बाद उसकी डेथ होगी। रीजन डैट कि उसके बॉडी सरफेस पे क्या होते हैं, ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली एटमोसफेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ बात समझ में आ गई बात होगा। अब बात करते दूसरा कि आखिर ये जो इंसेक्ट होते हैं ना, इसके कलर, इसके ब्लड कलर क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज कि उसके ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी होते हैं, और उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ना होके हीमोसाइनिन या बोल सकते हैं हीमोलिम्फ होते हैं, जिसके कारण जो उसका ब्लड जो है कलरलेस होता है। ये बेसिक नॉलेज था, ये एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एम्फीबियंस का, कि व्हाई एम्फीबियंस टेक ऑक्सीजन थ्रू स्किन, कि मेंढक आखिर ठंड के मौसम में बेल में या फिर कोई भी छेद में या बॉडी में कोई ऐसा जगह क्यों चले जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उसके वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उसका हार्ट जो होते हैं ना वो 3 chambered होते हैं, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो हाइबरनेट कर लेते हैं, मतलब कि किसी छेद में चले जाते हैं। अब मैं आपको बात कर लूँ कि आखिर वो जब चले जाते हैं तो बिना खाए पिए 3-4 महीने 5 महीने कैसे रह पाते। माय डियर स्टूडेंट, वो अपने ब्रीथिंग रेट को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। क्यों स्लो कर देते हैं, क्योंकि उसने सांस लेना नाक से बंद कर देते हैं और वो स्किन से सांस लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर स्किन से सांस लेंगे हम लोग या स्किन से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ द ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ द एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा
कम हो जाएगा। इसी के कारण जो है मेंढक जो है इतने दिन तक या फिर जो भी कोल्ड ब्लड एनिमल्स है हाइबरनेट करके ये बिना खाए पिए बहुत दिन तक जीवित रह पाते। ये था बेसिक नॉलेज ऑफ द एम्फीबियंस का। एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द लंग्स रेस्पिरेशन। अब बात कर लूँ मैं लंग्स के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, अगर लंग्स की बात करता हूँ मैं तो लंग्स जो को पल्मोनरी कहा जाता है उसके रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और हम लोग जो करते क्या करते एयर ब्रीदर कहा जाता है और हम लोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम करते मींस रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स करते। अब मैं आपको यहाँ पे फिर से जैसे मैंने आपको लाइफ प्रोसेस बताया था हाउ वी टेक मींस फूड इनसाइड द बुक इनसाइड द बॉडी, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो है ऑक्सीजन को ठीक उसी पैसेज के थ्रू जिस पैसेज से हम लोग फूड लेते थे लेकिन यहाँ पे नेसल पैसेज भी इन्वॉल्व होंगे इसके थ्रू लंग्स में जाएगा ना कि फूड ट्यूब में जाएगा। लेकिन फूड ट्यूब में जाता है जैसे अगर आप देखेंगे किसी आदमी को सोया हुआ आदमी को तो उसके लंग्स में तो ऑक्सीजन जाते हैं लेकिन उसके पेट में भी ऑक्सीजन चले जाते हैं। लेकिन अब वो पेट में ऑक्सीजन जाने के बाद उसका कोई यूजेस नहीं होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं बात कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से, तो पहले मैं बात कर लूँ पूरे पैसेज का पूरे ट्रैक का कि किसके किसके थ्रू क्या होता है। पहला बात कर लो नोज का जिसको हम लोग एक्सटर्नल नियर भी बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग लिटरेचर की बात करें इंग्लिश में बात करें तो नोज बोलते हैं। आफ्टर दिस कि क्या होता है एक एरिया होता है जिसको हम लोग यहाँ पे चूंकि यहाँ पे छेद तो यहाँ पे है ना नोज भले यहाँ पे लेकिन छेद यहाँ पे यहाँ से ये एरिया को नेसल पैसेज कहा जाता है। नेसल पैसेज के बाद आता है एक एरिया जिसका नाम होता है फैरिंक्स। फैरिंक्स के बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आता है आपका फैरिंक्स के बाद लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद आते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आ जाते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आ जाते हैं ब्रोंकियोस। एंड ब्रोंकियोस आखिरी में और एंड में जाके खुलता है किस पे बहुत सारे मींस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एल्वियोलम जाके खुल जाता है। दीज आर द पैसेज फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि फैरिंक्स ही वो रीजन है जैसा कि मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में बताया था कि फैरिंक्स वो रीजन है जिस जगह पे एक्सचेंज क्या होते फूड और एक्सचेंज ऑफ है ना गैसेस होते हैं। कि अगर आप पानी पीते हो तो पानी पीते हो तो सांस नहीं ले पाएंगे और अगर सांस ले लिए तो पानी नहीं पीएंगे। अगर ये दोनों काम अचानक से हो जाता है तो क्या होते हमारे जो फूड्स या फिर वाटर जो है फूड पाइप में ना जाकर कहाँ चले जाएंगे विंड पाइप में चले जाएंगे जिसके कारण बहुत जोर का झटका लगता है और ये नाक से पानी या फिर उसके फूड जो है नाक के थ्रू और माउथ के थ्रू निकलना शुरू हो जाता है। रीजन दैट क्योंकि ऐसा होता है क्यों क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दिए खाने में या फिर अगर बोल सकते हैं कि अचानक से जो है टंग जो है वो फूड को लेकर नहीं जा पाया। यहाँ पे बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे ये है एडवाइस यहाँ पे कि खाना खाते समय आप बात ना करें और खाना खाते समय या पानी पीते समय आप हंसे नहीं या फिर आप कोई भी चीज़ को सोचे नहीं कि अगर ऐसा करते हो तो क्या होता है बाई कन्फ्यूजन 10 बार में एक बार दो बार हो ही जाता है कि वो नेसल पैसेज में चला जाता है मीन्स बोले तो फूड पाइप में नहीं जाके विंड पाइप में चले जाते जिसके कारण आपके एयर जो बहुत जोर से निकलता है वहाँ पे जिसके कारण क्या हो जाता है वो नाक के थ्रू पानी बाहर आ जाते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। बात इसके बाद मैं आपको बात करने जा रहा हूँ मैं लंग्स का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लंग्स ही वो चीज़ है जहाँ पे एक्सचेंज और गैसेस होते हैं, ठीक है ना। लंग्स क्योंकि मैंने इसके पहले बता दिया ट्रैकिया होंगे उसके बाद ब्रोंकाई ब्रोंकियोल ये सारे है ना कैपिलरी से बने हुए। चलिए कैपिलरी से बात याद आया कि हम लोग ये जो ट्रैकिया है ना ये सी शेप जो है आपका कार्टिलेजियस रिंग से बने हुए होते हैं और ये कभी भी रप्चर या फिर ये कभी भी चॉक नहीं होते ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने में दो चीज़ का बहुत मेन रोल प्ले होता है। पहला रोल प्ले जो है वो है आपके और हमारे रिब केज का और दूसरा रोल प्ले है वो है हम लोगों के डायफ्राम का। लंग्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर लेते हैं। लंग्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ज़्यादा मीन्स ह्यूमन बींग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है माय डियर क्योंकि यही वो जगह जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं यही वो जगह जहाँ पे मिलियंस और मिलियंस ऑफ एल्वियोली है। यहाँ पे बात मैं और नोटिफाई कर दूँ मैं आपको कि लंग्स में जो यूनिट है वो है आपका एल्वियोली। याद रखना एल्वियोली इज द रेस्पिरेटरी यूनिट ऑफ लंग्स।
क्योंकि एल्वियोली से ही लंग्स बना हुआ है, लंग्स बोल के कोई चीज नहीं होता है। इसमें मिलियंस और मिलियंस ऑफ एल्वियोली जो कि पाउचेस जैक स्ट्रक्चर्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, व्हेन वी इनहेल और एक्सहेल, जब हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, मीन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट करते हैं ना, इसमें दो ऑर्गन का बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो मैं इस दोनों ऑर्गन का नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों का जो ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, मतलब ये जो पेट का जो हिस्सा है, एक छाती का हिस्सा और एक पेट का हिस्सा, तो मतलब कि जो रिब के जहाँ पे लगे हुए होते हैं ना सामने के रीजन, इस पूरे को कहा जाता है थोरेसिस कैविटी, याद रखना थोरेसिस कैविटी, और नीचे जिसमें स्टमक होते हैं ना उसको कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। क्योंकि हम लोग एब्डोमिनल कैविटी के बारे में बात तो कर चुके हैं, लेकिन बात यहाँ पे कर रहे हैं थोरेसिस कैविटी का, बस समझ में आ रही बात आपको, थोरेसिस कैविटी की बात कर रहे थे। और ये बहुत ज्यादा ईजी है क्योंकि थोरेसिस कैविटी बना हुआ दो पार्ट से, एक का नाम है रिब केज जो चीज को छाती की हड्डी बोलते हैं, और दूसरा जो है डायफ्राम जो आपके थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और ये बना हुआ मसल से। इस दोनों के कारण ही हम लोग इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि अगर डायफ्राम रप्चर हो जाता है या खराब हो जाता है तो इनहेलेशन नहीं ले पाएंगे, और अगर रिब केज में कहीं भी पेन है तो भी आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग। रेस्पिरेशन होते हैं ना, इस रेस्पिरेशन में तीन पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर वन डैश नेम इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पार्ट नंबर टू जिसका नाम है इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड पार्ट नंबर थ्री वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रेस्पिरेशन, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन, मीन्स सेल के अंदर कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं और कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होती है, वी हैव डिस्कस। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मैंने जस्ट डिस्कशन किया कि वेन वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द, या फिर वेन वी रिलीज CO2 फ्रॉम द नेसल पैसेज। तो स्टार्टिंग से बता दूं कि ऑक्सीजन पहले कहाँ जाएगा, नोज में जाएगा, नोज के बाद नेसल पैसेज में, उसके बाद फैरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स में। लैरिंग्स में प्रेजेंट क्या होते हैं, एपिग्लोटिस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो ग्लोटिस को कवर करते हैं, एंड ग्लोटिस इज द मेन रीजन फ्रॉम हियर द रेस्पिरेटरी मीन सिस्टम, मीन रेस्पिरेटरी ट्रैक बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ट्रैक या स्टार्ट होता है, ठीक है ना, इसको ग्लोटिस रीजन बोलते हैं। अब वहां से शुरू होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक मीन ट्रैकिया, और ट्रैकिया किससे बना हुआ है, कार्टिलेजेस बना हुआ, कार्टिलेज के बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर आते हैं ब्रोंकाई, ये भी कार्टिलेज से बना हुआ है, उसके बाद आ जाते हैं ब्रोंकियोस जो और भी ज्यादा ब्रांचेस में ये फैले हुए हैं, उसके बाद एंड में आता है एल्वियोली। और ये एल्वियोली के बारे में बता दूं मैं आपको, यही वो जगह जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, मतलब कि CO2 को वापस लेकर फिर से बॉडी से बाहर निकल आते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं आपको बताता हूं मैं कि यहां पे जो हो रहे हैं ना, ये जो नोज से लेकर एल्वियोली तक में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुए ना, इसको कहा जाता है एंड मींस एक्सटर्नल। अब बात करते हैं यहाँ पे एल्वियोली के अंदर जो बहुत सारे ऑक्सीजन आ जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इनसाइड द एल्वियोली मींस एल्वियोली वाले उस स्पॉट में या उस एरिया में बहुत सारे ऑक्सीजन हो जाते हैं, इसमें हायर कंसंट्रेशन होता है, तो ऑटोमेटिक इट विल एंटर इनसाइड द वॉल ऑफ द एल्वियोली वेयर द वेरी फाइन ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट, वहां पे वो एंटर कर जाते बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब उस ऑन द अदर हैंड वी डिस्कस अबाउट इनसाइड द ब्लड कैपिलरी द कार्बन डाइऑक्साइड दैट कम्स फ्रॉम एवरी सिंगल सेल फ्रॉम द बॉडी, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से डिफ्यूज आउट हो जाता है और फिर से एल्वियोली में आ जाता है, और इस तरह से पूरा होता है हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब मैं बात कर लेता हूँ ब्लड की, बात करता हूँ मैं ब्लड, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो हम आगे मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के बारे में थोड़ा सा, कि यहाँ पे बात हो रही है ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, रेड कलर होते हैं, और रेड कलर क्यों होते हैं, क्योंकि RBC ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते, तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेते हैं और खुद को क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब कि हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। मींस टू से दैट यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है ना वो क्यों रेड हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन का मेन यूनिट या मेन एलिमेंट क्या होते हैं, आयरन होते हैं, इसलिए इंसान को जिसको ब्लड की कमी होती है ना उसको आयरन का गोली या आयरन का मींस कोई भी फूड बोली आयरन वाला फूड वो आप ज़्यादा खाएं, क्योंकि आयरन बॉडी में रहेगा तो आपका जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन बनेगा जो कि एक प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन बनेगा तभी जाके आपका ब्लड जो होगा रेड हो पाएगा, मतलब रेड इसलिए हो पाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा तो कलर कैसा हो जाए, रेडिश ब्राउन हो जाता है, इसके कारण हमारा ब्लड जो है रेड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा कितना परसेंट,
90%, ठीक है ना, 90 से 95% ऑक्सीजन लेके जाएगा और 2% ऑक्सीजन जो होंगे उस ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा मीन्स वाटर में, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऑक्सीजन पानी में सॉल्युबल नहीं होता। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सॉल्युबल हो जाता है आराम से, जैसे कि कोको कोला, जैसे कि लिमका, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आराम से डिजॉल्व हो जाती है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं, हर एक सेल्स तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब जैसे सेल्स के पास पहुंचाएंगे तो वहां पे फिर से क्या होगा, एक डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। अब ये एल्वियोली के वॉल से लेकर सेल के वॉल तक मीन सेल मेम्ब्रेन तक इस पूरे प्रोसेस में जो, और सेल मेम्ब्रेन से फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं कि एल्वियोली मीन हीमोग्लोबिन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को सेल को दिया जाएगा। ऑन द अदर इट विल टेक the कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल एंड अगेन इट विल ट्रांसपोर्ट टू द एल्वियोली वॉल, ठीक है ना। यहां तक ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक सेलुलर रेस्पिरेशन का हम लोग पढ़ लिए, इट मीन्स ऑक्सीजन एंटर्ड इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे फिर से एक और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, उस जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। बात समझ में आप आ गए। अब आपको बात करते हैं ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट का, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब बात कर लेते हैं कि चलिए आप थोड़ा सा एक योगा वाला ट्रिप्स कर लीजिए, आप जहां भी बैठ के मेरे वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा योगा कर लेते हैं। योगा में क्या होता है कि व्हेन वी टेक इनहेल, जब हम लोग सांस को लेते हैं ना, जब हम लोग सांस को एंटर करते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन को एंटर करते हैं ना, तो दो चीज होता है, नोटिस कीजिएगा आप लोग, आपका लंग्स जो होता है ना वो फूलता है। इसका मतलब आपका जो छाती के जो हड्डी होते हैं ना वो क्या होते हैं, बाहर की ओर आते हैं। कहाँ पे आते हैं, बाहर की ओर मीन्स आउटसाइड आते हैं। और जो आपके जो नीचे है ना वो क्या होता है, ऊपर की ओर आते हैं, मतलब कि वो ऊपर की ओर आते हैं, है ना। समझ में आ रहा बात, पॉइंट समझ रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, व्हेन वी इनहेल, जब आप इनहेल करते हो ना तो आपका रिब के जो होता है ऊपर की ओर आता है और आपका जो डायफ्राम वो नीचे की ओर आता है ताकि लंग्स फूल जाए, ताकि लंग्स एक्सपैंड कर जाए, ताकि लंग बढ़ जाए, सारा ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद क्या होगा, उस वीरिन सेकंड में क्या होते हैं, आप क्या करते हैं, सारे आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन क्या होते हैं वो एल्वियोली के वॉल के अंदर एंटर करेंगे और दूसरी तरफ से सारा ऑक्सीजन जो है चला जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसी स्पेस में आ जाएगा। फिर आप उतना ही जोर से क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, एक बात को यहाँ पे बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ मैं, जो आपके एनसीईआरटी मेंशन है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम का। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या, जब इनहेल और एक्सहेल करने के बीच में ऑक्सीजन या कुछ गैसेस हमेशा आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उस गैसेस को जो दैट्स ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड योर लंग बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेल वी कैन कॉल इट द रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ में आ रहा बात ना। और ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने इस दोनों अमाउंट को अगर ऐड कर दें तो ऑक्सीजन टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एंड टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मीन CO2 आउट, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन प्लस टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आउट इज इक्वल टू टोटल मीन्स अ टाइडल वॉल्यूम। याद रखना, टाइडल वॉल्यूम, एक रेसिडुअल वॉल्यूम दैट्स मीन्स गैसेस ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आउट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। यहाँ पे बात समझ में आ गई बात आप लोगों को, आपका लंग्स में चला गया। और जब हम जब दूसरी तरफ व्हेन वी एक्सहेल, जब सांस को छोड़ते हैं तो आपका रिपीट क्या होगा, आपका रिब के अंदर की ओर जाएगा और आपका डायफ्राम क्या होगा वो भी ऊपर की ओर आएगा। समझ में आ रहा बात, मतलब डायफ्राम जब आपका नीचे की ओर जाए तो आपका रिब के जो होगा वो बाहर की ओर आउटसाइड होगा, जब ये इनसाइड होगा तब डायफ्राम क्या होगा अपसाइड होगा, मतलब कि वो ऊपर की ओर उठेगा। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है लंग्स रेस्पिरेशन या ट्रेमिंस बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी और गैसेस का एक्सचेंज होना या बोल सकते हैं कैसे हम लोग जो है रेस्पिरेशन करते हैं, ये सारी बातें मैंने दो बात पे बता दी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मैं आपको बता दूं ये टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया, चूंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, इसको अच्छा से देखिएगा। तो जो उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने जा रहा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो मैं ट्रांसपोर्टेशन लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे तो हम लोग का हार्ट कैसे काम करते हैं, हार्ट कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट कैसे फंक्शंस करते हैं, फिर हम वो लोग उसमें आर्टरी और वेन के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।